हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू IITian एक्सप्लेन्स। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे प्रॉमिस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एक सीरीज आपके पास आएगी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ ये सीरीज कुछ टाइम से आपके पास नहीं आ पाई, थोड़ा डिले हो गया है, थोड़ा आप बोल सकते हो या थोड़ा ज़्यादा डिले आप बोल सकते हो। एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजंस से मैं थोड़ा बिजी था और आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज नहीं आ पाई। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज आप लोग भी IITian एक्सप्लेन्स का एक हिस्सा हो, आप भी मेंबर हो, हम सब बिल्कुल फैमिली के जैसे हैं। IITian एक्सप्लेन्स के सारे सब्सक्राइबर्स, सारे व्यूअर्स, तो काफ़ी मैसेजेस आए हमें, बहुत अच्छा लगा। आप लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना लगाव रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। बट अब डायरेक्ट मुद्दे पे मैं आता हूँ। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने सीरीज का प्रॉमिस किया था और बिल्कुल मैं आपको ये पूरी सीरीज दूंगा, प्रॉमिस बिल्कुल बना हुआ रहेगा। अब मैं ये कोशिश करूंगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जेई मेन्स एडवांस बिटसेट के लिए और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके सामने दे दी जाए, ठीक है। तो आप एवरी डे या हर दूसरे दिन एटलीस्ट, मैं प्रॉमिस इस वे में नहीं कर सकता कि आपको स्पेसिफिक मिलेंगे, बट हाँ आपको मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको ये कंटेंट दे दिया जाए, ठीक है। ओके, तो चलिए अब मैं आता हूँ डायरेक्टली आज के लेक्चर पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको पता है बहुत वास्ट है और इससे हर साल क्वेश्चंस एडवांस में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो कौन सा टॉपिक चूज किया जाए, तो ये हमारे लिए भी काफी कन्फ्यूजिंग था कि किस टॉपिक से स्टार्ट किया जाए, बिटवीन स्टार्ट किया जाए बिल्कुल या कुछ इंपॉर्टेंट निकाल दिए जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, कंसेप्चुअल वे में बात होती है क्योंकि GOC पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिंक्ड अप करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जीओसी में कार्बोकेटायंस को और कार्बेनायंस को। तो आज का टॉपिक हमारा कार्बोकेटायंस और कार्बेनायंस का है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह समझना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड्स कैसे होते हैं। देखो, आपको पता है अगर आप केमिकल बॉन्ड्स की बात करो तो डिफरेंट वैरायटीज हैं, लेकिन एकदम फंडामेंटल लेवल पे हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, एंड देर आर लॉट्स ऑफ अदर सेकेंडरी बॉन्डेड एंड सेकेंडरी फोर्सेज वीक बॉन्ड्स, बहुत तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, बेंट बॉन्ड, बनाना बॉन्ड और मेनी काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, टाउ बॉन्ड्स, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल सेंटर्ड फोकस होने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड पे, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये बॉन्ड क्या होता है, जब दो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर ना कर पाए, मतलब मान लो कि मैंने किसी को कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और उसने कंप्लीटली उस इलेक्ट्रॉन को ले लिए, तो मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब दोनों के बीच बॉन्ड बना तो एक आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ऐसा जनरली हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होता है, बिकॉज कार्बन का कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि ये ना तो चार इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना तो चार इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस पर भी हम बात अभी नहीं करेंगे, आप मोस्टली जो देख रहे हो या तो 11th के हो या 12th के हो या 12th पास हो, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, आपको रीजन पता है। तो हमारे यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग से। शेयरिंग का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, कुछ इलेक्ट्रॉन तुम दो और दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। अगर शेयर एक इलेक्ट्रॉन का हुआ तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन का हुआ तो डबल बॉन्ड, तीन अगर इलेक्ट्रॉन का हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक एक सिंगल बॉन्ड, दो दो डबल बॉन्ड, तीन तीन ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सिंगल मतलब सिग्मा, डबल मतलब एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल मतलब दो पाई और एक सिग्मा, बिल्कुल बात समझ में आ गई है। तो अब हम बात करेंगे ये बॉन्ड टूटता कैसे है, मतलब बॉन्ड का क्लीवेज, हम बात करने जा रहे हैं बॉन्ड क्लीवेज पे, बॉन्ड क्लीवेज पे, या हम इसको बोलते हैं बॉन्ड फिशन। देखो बॉन्ड फिशन क्या होता है, बॉन्ड का टूटना, कोवलेंट बॉन्ड का टूटना। अब बॉन्ड तो अपने आप टूटेंगे नहीं, बॉन्ड कब टूटेंगे, जब उसे ये लगेगा कि मैं अगर टूट के कुछ बेटर स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता हूं, किसी बेटर कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकता हूं, तो बॉन्ड टूटेंगे, अदरवाइज वो खुद स्टेबल है तो वो क्यों टूटेगा। तो बॉन्ड क्लीवेज बेसिकली ये जो बॉन्ड है ए और बी के बीच के बॉन्ड है, दो तरह से टूट सकते हैं, कैसे, एक को हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज को हम बोलते हैं होमोलिसिस भी बोला जाता है इसको, होमोलिसिस, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज को हेट्रोलिसिस भी बोला जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन कंडीशंस में ये कब होगा। देखो, जब कोवलेंट बॉन्ड या
ये जो सिग्मा बॉन्ड है या ये जो शेयर्ड बॉन्ड है कुछ ऐसा बना कि ए और बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट एक जैसी हो, दोनों के बीच के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, बहुत कम का डिफरेंस हो। उन सिचुएशंस में अगर बॉन्ड क्लीवेज होगा तो चलो मैं ले लेता हूं ए ए मान लो, तो यहां क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा और आपके पास क्या बनेंगे ए डॉट और ए डॉट। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है या हम बोल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, इनको बोला जाता है फ्री रेडिकल। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगा या होमोलिसिस होगा, दोनों की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑलमोस्ट एक जैसी होगी या बहुत कम का डिफरेंस होगा, तो उन सिचुएशंस में फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। अ पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब ये जो सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, या तो इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, सपोज मान लो ये पेयर्ड में है, तो अगर इसका स्पिन प्लस हाफ है और इसका स्पिन माइनस हाफ है, तो ये दोनों स्पिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और खुद को स्टेबल कर लेंगे, तो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल माने जाएंगे। बट अनपेयर्ड केस में या तो प्लस हाफ है या तो माइनस हाफ है, तो इनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये हाईली अनस्टेबल होंगे। दीज आर हाईली अनस्टेबल। अब देखो अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो क्या होंगे, शॉर्ट लाइफ्ड होंगे, बहुत कम टाइम के लिए बनेंगे, और इस सिचुएशन में जनरली देखा गया है माइक्रोसेकेंड टू नैनो सेकेंड्स इनका हाफ लाइफ होता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या होगी, तीसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ये हाईली रिएक्टिव होंगे। ठीक है, चौथी बात हम इसके बारे में, फ्री रेडिकल के बारे में क्या बोल सकते हैं कि इनका आइसोलेशन बहुत टफ है बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी एंड शॉर्ट लाइफ। बात समझ में आ गई। तो फ्री रेडिकल का ये फॉर्मेशन हो गया। अब चलिए डायरेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, फ्री रेडिकल के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है। तो देखो दो फेवरेबल कंडीशंस हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए, फ्री रेडिकल वे में होमोलिटिक क्लीवेज होने के लिए। पहला, फर्स्ट कंडीशन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तो बढ़िया है आपके लिए। पॉइंट नंबर टू, अगर हमारा सिस्टम बिल्कुल कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के साथ कैसियस फेज में हो और नॉन पोलर मीडिया में हो, नॉन पोलर मीडिया का मतलब जनरली जब आपको एरो पे कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया गया है, तो उन सिचुएशंस में होमोलिटिक क्लीवेज होगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। मैं आपको एक स्टेप फर्दर होमोलिटिक क्लीवेज में आगे ले जाता हूं और ये आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा जी एडवांस तक। तो चलिए एक स्टेप मैं आपको होमोलिटिक क्लीवेज को आगे लेके चलता हूं, जस्ट जुड़े रहिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ये वादा है आपसे। चलिए आते हैं कमिंग नेक्स्ट पे। देखो कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनको देख के हमें ये पता चले कि मैकेनिज्म हमारा होमोलिटिक वे में होगा, फ्री रेडिकल में होगा, जी एडवांस तक। तो मैं आपको इसके लिए बता दूं, हेल्पर, एच ई एल पी आर, नॉट हेल्पर, इट्स हेल्पर, इसको पढ़ना है हेल्पर। ठीक है, अब देखो एच फोर क्या हो गया, हीट। ठीक है, अगर आपको एरो के ऊपर हीट दे रखा है, जनरली ये हीट ग्रेटर देन या इक्वल टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको किसी क्वेश्चन में एरो के ऊपर 500, 700, 900, 1100 या पायरोलिसिस के केस दे रखे हैं, तो आप समझ जाइए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा। थोड़ा आप याद करो हाइड्रोकार्बन के केसेस में, जब आप बहुत लंबे लंबे कार्बन मॉलिक्यूल्स को, जैसे डोडीकेन हो गया या पेंटाकोसेन हो गया या आपका डेकेन हो गया, इन मॉलिक्यूल्स को जब आप हीट करते हो 500, 700, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ब्रेक होते हैं और फ्री रेडिकल फॉर्म करते हैं। फ्री रेडिकल आपस में चिपकते हैं कई तरीके से और डिफरेंट आपको मिक्सचर मिलता है, लाइक एल्कीन मिल जाते हैं आपको, छोटे छोटे एल्कीन्स भी मिल जाते हैं जिसको हम क्रैकिंग भी बोलते हैं। जस्ट इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और वहां पर बॉन्ड टूटती है होमोलिटिक वे में। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। कमिंग टू नेक्स्ट, हम नेक्स्ट बात करेंगे ई फोर हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी। बात को समझना, इलेक्ट्रिसिटी भी अगर रिएक्शन के अंदर यूज हुआ है, अब आप सोच रहे हो उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज होगा, तो दो तरह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली यूज होती है। पॉइंट नंबर वन, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी इलेक्ट्रिक आर्किंग। इलेक्ट्रिक आर्किंग का मतलब होता है जब आप दो इलेक्ट्रोड को बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज लाओगे और बहुत हाई करंट को, हाई वोल्टेज को जब आप फॉलो करोगे, तो उस सिचुएशन में स्पार्किंग होगी, इलेक्ट्रिक आर्क निकलेगा, और इस आर्किंग की प्रेजेंस में भी जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो मोस्ट कॉमन है, आप में से मोस्टली बच्चों को पता है, इलेक्ट्रोलिसिस।
जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो सब के सब फ्री रेडिकल होते हैं, चाहे वो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस हो, चाहे वो हेवर इलेक्ट्रोलिसिस हो, चाहे वो ओस्टुका इलेक्ट्रोलिसिस हो, चाहे वो मोनसेंटो इलेक्ट्रोलिसिस हो, चाहे वो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस हो, ये फेराडे इलेक्ट्रोलिसिस हो 1834 में जो दिया गया था, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलिसिस फ्री रेडिकल वे में होते हैं। आपने कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस तो पढ़ा ही होगा, आपने देखा होगा कि मिथाइल फ्री, जब आप सोडियम एसिटेट को इलेक्ट्रिसिटी डालते हो, मिथाइल मिथाइल आपस में जुड़ के इथेन बनाते हैं, पता है ना, CO2 गैस रिलीज होती है NO2CO3 के फॉर्म में। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑलवेज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिसिटी, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट आ जाइए एल। एल के बारे में तो आपने क्लास 10 से ही पढ़ा होगा, इसको हम लाइट बोलते हैं। लाइट के प्रेजेंट में जितने भी हैलोजिनेशन होते हैं एल्केन के, सबके सब फ्री रेडिकल होते हैं। आपको पता है चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन, आपने सुना होगा इन सारी चीजों के बारे में। तो लाइट या तो डिफ्यूज सनलाइट या तो डायरेक्ट सनलाइट, तो जो भी डिफ्यूज सनलाइट या डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में जनरली जो भी रिएक्शंस होते हैं वो फ्री रेडिकल वे में होते हैं। आपने जितने भी रिएक्शंस देखे हैं हैलोजिनेशंस के, दे ऑल आर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशंस विद एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पी से। पी से हमारे पास हो गया पेरोक्साइड। तो जब भी रिएक्शंस के अंदर पेरोक्साइड यूज किया जाएगा वो जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। जैसे आपने पेरोक्साइड इफेक्ट या खलास इफेक्ट में देखा था, जो एंटी मार्कोनिक ऑफ इफेक्ट था, वहां पर भी पेरोक्साइड यूज किया गया था और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज हुई थी ना यस। तो पेरोक्साइड का यूज करने से भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। एक और मैं आपको बता रहा हूं, जब हम NBS के साथ, N ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर रिएक्शन करवाते हैं वो भी फ्री रेडिकल होता है, इसीलिए वहां भी पेरोक्साइड यूज किया जाता है। बिल्कुल क्लियर है भाई? ओके आर। आर से हमारे पास होता है रेडिकल। देखो मैं ऑर्गेनिक में हमेशा से बोलता हूँ ना, वो हमें एक वो फेमस डायलॉग है ना किसी मूवी का, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, जस्ट लाइक सेम रेडिकल को देख के रेडिकल रंग बदलता है। मतलब अगर रेडिकल रिएक्शंस के अंदर आपने छोड़ दिया, रेडिकल आपने रिएक्शंस के अंदर डाल दिया, जो आप पॉलीमर में पढ़ते हो रेडिकल इनिशिएटर, अगर आपने रेडिकल डाल दिया तो रिएक्शन रेडिकल वे में होगी, फ्री रेडिकल वे में होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आते हैं हेटरोलिटिक क्लीवेज की तरफ। होमोलिटिक को हमने डिटेल कर दिया। आज तो आप सोच रहे होगे कि कासिफ सर पूरे मूड में नहीं। देखो मेरी कोशिश हमेशा होती है कि बच्चों की मैं जितनी हेल्प कर सकूं, जितना मुझसे हो सके मैं उतना हेल्प करूं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं जिससे आपसे थोड़ा दूर रहना पड़ता है, तो प्रॉमिस अब नहीं रहूंगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हेटरोलिटिक क्लीवेज की या हेटरोलिसिस की। बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये तब होता है जब दो एलिमेंट्स के बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा हो। काफी ज्यादा का ये भी मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा हो, एक बिल्कुल इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाए, एक बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए, तब फिर तो शेयरिंग होगी नहीं, तब कैसे बॉन्ड बनेंगे? यस बिल्कुल सही, तब आयोनिक बॉन्ड बनेंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, एक दो क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा, बहुत ही अच्छे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस, और मुझे 100% यकीन है आप बता दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हेटरोलिसिस। देखो मान लो कि ए और बी के बीच कुछ बॉन्ड ऐसा बनाए, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा है मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सपोज मान लो ए इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन बी, तो ए क्या करेगा, क्लीवेज के टाइम इस पूरे पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ए के ऊपर आ जाएगा माइनस और बी के ऊपर आ जाएगा प्लस, ढंडन गोपाल चल दो घंटे, ये नेगेटिव आ गया टोटल इसके ऊपर। बिल्कुल क्लियर है? अब मान लो इसी केस में ए से ज्यादा बी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, तब क्या हो जाता, बी इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता, तो बी के ऊपर माइनस आ जाता और ए के ऊपर प्लस आ जाता। तो चूंकि इस रिएक्शन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर आयंस बनते हैं, इसीलिए हम लोग इसको आयोनिक क्लीवेज भी बोला जाता है। सो हम इसको आयोनिक क्लीवेज भी बोलते हैं। तो जनरली रिएक्शंस कार्बन कार्बन में होते हैं, जैसे कि मान लो CH3Cl, अगर हम इसके क्लीवेज की बात करें, मान लो मैंने इसको कुछ हीट किया है या कुछ रिएक्शंस या इसको किसी पोलर मीडिया में रखा है, तो बेसिकली क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो क्लोरीन बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा, तो मिथाइल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, तो CH3 पॉजिटिव, मिथाइल कार्बोकेटन फॉर्म हुआ और क्लोराइड एनायन फॉर्म हुआ। बिल्कुल क्लियर है? सीन को बदल देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कार्बन तो सर ऑलरेडी 2.5 या 2.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ है, किसके साथ अटैच करो, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री,
तो आपको पता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ढेर सारे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, आप CH3Li ले लो या ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लो या डाइमिथाइल कैडमियम ले लो, इनको आप ले सकते हो। तो यहाँ पर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इस सिचुएशन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया और लिथियम के ऊपर प्लस चार्ज आया। तो बेसिकली आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हो इन रिएक्शंस में आयंस फॉर्म होते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको कार्बोकेटायन बोलेंगे और नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको कार्बन आयन बोलेंगे। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से बॉन्ड फीज्ड होते हैं, बॉन्ड कैसे क्लीव्ड होते हैं, टूटते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ गए हैं। आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक बॉन्ड को होमोलिटिक वे में तोड़ना चाहता हूं और एक बॉन्ड को हेटरोलिटिक वे में तोड़ना चाहता हूं, किसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? वीडियो को पॉज करो, सोचो। आंसर मिल गया? मैं बताता हूं कहां आपको ज्यादा एनर्जी जरूरत होगी। देखो, हेटरोलिटिक वे में आपको पता है कि जो बॉन्ड बना है दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के बीच में बना है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन, जोर की अट्रैक्शन काम कर रही है। तो आप जब इसको हीट करोगे या आप जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे ब्रेक करने के लिए, तो ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो या कुछ अच्छे बुक में पढ़ रहे हो, आपको ये क्वेश्चन जनरली दिख जाएंगे कि इनमें से किस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, होमोलिटिक या हेटरोलिटिक। एंड आंसर इज हेटरोलिटिक, बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एलिमेंट्स के बीच में हाई होता है। अगर मैं डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो फिर लैटिस बन जाएंगे, फिर आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, जैसे NaCl, KBr, KCl। इन सिचुएशंस में आपको पता है इनके लैटिस को तोड़ने में कितनी दिक्कत आती है, रीजन यही है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes. चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, मैं लास्ट में आपका जो फेवरेट राउंड चलता है रैपिड रिवीजन, आज भी मैं रैपिड रिवीजन दूंगा। आप सोच रहे होगे सर ऐसे ही सब कुछ रैपिड चल रहा है और कितना रैपिड रिवीजन होगा, बस दो मिनट में रैपिड रिवीजन दूंगा। चलो सुनो, नेक्स्ट आ जाओ, कहां आएंगे? रिएक्शन इंटरमीडिएट में। तो आज हम कवर करेंगे दो रिएक्शन इंटरमीडिएट को, पहला कार्बोकेटायन को, दूसरा कार्बन आयन को। कार्बोकेटायन नाम तो समझ ही गए होगे आप, कार्बोकेटायन से नाम तो सुना ही होगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला। और कार्बन आयन किसको बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज वाला। दो तरह के हो गए, कार्बोकेटायन पॉजिटिव, कार्बन आयन नेगेटिव। फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजीन, डायरेडिकल, ट्राइरेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन, बहुत सारे हैं भाई, मैं हूं ना सब सिखाऊंगा आपको कुछ ही दिनों के अंदर। ओके, तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं कार्बोकेटायन की। आप कार्बोकेटायन की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपको लेके चलूंगा बिल्कुल एडवांस और मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, पूरी केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे घुसेड़ दूंगा, बस आप देखते जाओ। तो कार्बोकेटायन का मतलब होता है जब कार्बन के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक है, बस समझ में आ गई। अगर नॉर्मल इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर दो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, ठीक है, और कुछ बात कर लें ये आपका प्लेनर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। तो ये कार्बोकेटायन हुआ, ठीक है, ठीक है, ओके। या हम इसको ज्यादा थोड़ा रिस्पेक्ट दे देते हैं इस तरीके से, वैकेंट ऑर्बिटल है पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ओके। चलिए अब आ जाओ इन कार्बोकेटायंस के केसेस में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। सर ये कैसे मैं बता सकता हूं? मैं आपको पूरी एक पहले सीरीज बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है और ये कैसे कैसे काम करता है, बिल्कुल देखते जाइए आप। आपको पहले मैं पूरी सीरीज एक दूंगा और ये सीरीज आपको एडवांस तक काम आएगी। देखो, सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन जो इस पूरे यूनिवर्स में है, इस पूरे ब्रह्मांड में है, वो ये है ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। इसको हम बोलते हैं TCPM, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। देन सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा CH, दिस आप समझ गए होंगे, डाइसाइक्लो। देन आ जाएगा आपका CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद एक बहुत ही जाने पहचाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भाई साहब ये हैं, दिस इसको हम बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा ये एक्चुअली ये ट्रोपाइलियम आयन से ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है इसके कंपैरिजन में, PCH PH PH, मतलब ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। और ये ऑलमोस्ट एक जैसा होता है 3 डिग्री एलाइल के। 3 डिग्री एलाइल का मतलब क्या हो गया? RCR पॉजिटिव,
CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका 3 डिग्री एलाइल, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है PH और CH और PH, मतलब डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, और ये ऑलमोस्ट एक जैसा होता है R CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। नाम बता दो भाई लोग, इसका नाम क्या है? 2 डिग्री एलाइल, 2 डिग्री एलाइल। ऊपर अभी आपने 3 डिग्री एलाइल देखा था, ये है 2 डिग्री एलाइल, ठीक है। फिर आ जाइए 2 डिग्री एलाइल, देखिए ध्यान से पैटर्न देखो, यहाँ पे 2 फिनाइल है तो ये 2 डिग्री एलाइल के साथ है, यहाँ पे 3 फिनाइल है तो ये 3 डिग्री एलाइल के साथ है, याद रखने में आसानी होगी, बिल्कुल एक पैटर्न है, ध्यान से देखोगे तो पैटर्न दिखेगा आपको। ओके, 2 डिग्री एलाइल के बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा PH CH2, क्या है मेरे भाई लोग ये बता दो, बेंजाइल। बेंजाइल का ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके? एलाइल के, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ऑलमोस्ट इक्वल का मतलब है अगर हम प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए मैंने इसको पहले रखा है, ये थोड़ा ज्यादा होता है इसलिए मैंने पहले रखा है, थोड़ा ज्यादा होता है इसलिए मैंने पहले रखा है, बट ब्रॉड सेंस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। और मैं ये कोई रैंडम डेटा नहीं दे रहा हूं, या किसी ऐसे वैसे ऑथर या किसी ऐसे वैसे बुक से नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये फ्रांसिस की बुक है और मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेविड पिल्स का रेफरेंस है, तो बिल्कुल इसको ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। वहां तक आ गए, फिर हमारे पास स्टार्ट होगा क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन R R R, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, देन हमारे पास आ जाएगा R CH R, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देन हमारे पास आ जाएगा R CH2, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, देन हमारे पास आ जाएगा मिथाइल कार्बोकेटायन, देन हमारे पास आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल कार्बोकेटायन, देन हमारे पास आ जाएगा PH प्लस, या हम बोल सकते हैं AR प्लस। ये है पूरी एडवांस तक की सीरीज, जो पूरे जेई एडवांस तक बिट सेट तक कैसा भी एग्जाम हो, जो 12 पे बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? आपके सारे काम ये कर देगा। तो आप वीडियो को रोक के अभी आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल पेन और नोटबुक के साथ इसको अभी नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको धीरे से एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे की तरफ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ये काम कैसे कर रहा है, क्या रीजन हुआ इसमें, क्यों ऐसा हुआ, मैं सारी चीजें आपको अभी बताऊंगा जस्ट। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं TCPM की। ये जो आपने अभी अभी देखा है TCPM, ये जो TCPM है, और ये जो आपको आपको जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस कार्बोकेटायन के बारे में, आपको पता है कि कितना स्टेबल है ये? इससे 10^22 टाइम मोर स्टेबल है, इट इज 10^22 टाइम्स मोर स्टेबल देन ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। चलिए अब हम इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, रेडियो 1 2 3 चलो इन। अब देखो TCPM में क्या हुआ है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं, मैं इस कार्बोकेटायन को जानूं, भाई साहब हो क्या आप, ठीक है। तो चलो इसके एक यूनिट को मैं आपको समझाता हूं, CPM को। देखो CPM के केस में ये जो CH2 है, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है पॉजिटिव, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है बेंट बॉन्ड, बताया बेंट बॉन्ड, आपको पता है ऑर्बिटल्स जनरली इन तीन तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, एक तो हो सकता है बिल्कुल हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनता है मेरे भाई, सिग्मा। दूसरा हमारे पास होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, इससे क्या बनता है भाई लोग, इससे बनता है पाई। और तीसरा हमारे पास होता है ऐसा वाला ओवरलैपिंग, मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल आप नॉर्मल भी ले सकते हो, कुछ एंगल पे जब इनका जो ये इंटर ऑर्बिटल एंगल है कुछ एंगल पे एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, तो ये ना तो सिग्मा है ना तो पाई है, हम इसको बोलते हैं बेंट बॉन्डिंग, बेंट बॉन्डिंग। या अगर आप इसके कुछ दूसरे नाम को भी सर्च करोगे तो केमिस्ट्री वर्ल्ड में इसको एक और नाम से जाना जाता है ये, इसको हम बोलते हैं एंगुलर बॉन्डिंग। अगर मान लो तीसरा एलिमेंट यहां पर हो जाता तब हम उसको बोल देते बनाना बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन हो जाता तो, या हम उसको बोल देते क्या, 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई, बिल्कुल बात समझ में आ गई, या हम इसको बोल देते 2 सेंटर्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको बनाना बॉन्ड भी बोला जाता है। इस पर हमने बहुत डिटेल में बात की है, सो हम इस पर आज बात नहीं करेंगे, ठीक है। बस आप इतना समझ जाइए कि अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बनेगा, कुछ एंगल पे ओवरलैपिंग होगी तो बेंड बॉन्डिंग या एंगुलर बॉन्डिंग बनेगा, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब समझिए, अब देखो अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होगी, और जब ओवरलैपिंग अच्छे से होगी तो सिस्टम बहुत स्टेबलाइज हो जाएगा, बहुत स्टेबल हो जाएगा, और सिस्टम जब स्टेबल हो जाएगा तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि वो स्टेबल है, उसकी एनर्जी कम है।
पाई में क्या हो रहा है, पाई वाले कंडीशंस में साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो इतने अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे ना तो सिग्मा है ना तो पाई, मतलब ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहाँ पे। तो अब अगर मैं बात करूं इन बॉन्ड्स की, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, आप समझ जाओगे। मान लो 1 2 3 तीन कार्बन है, ठीक है ठीक है, ये इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने क्रिएट किया। अब मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, और इसके मैं दो हाइड्रोजन्स आपको ड्रॉ कर देता हूं, हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, हाइड्रोजन। तो देखो इसमें क्या हुआ है, ये जो मैं पहले साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप आपको बता रहा हूं, इसमें जो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये ओवरलैपिंग कैसा बॉन्ड क्रिएट करेगी, बेंट बॉन्ड, ठीक है, ये एंगुलर बॉन्ड। और ये जो आप देख रहे हो एक कार्बन जो हमारा बच गया, ये वाला CH2 H H, और यहां पर क्या है मेरे भाई, यहां पर है वैकेंट ऑर्बिटल, एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखो चूंकि ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये रोटेट कर रहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया हाइब्रिड कंजुगेशन में इस सिग्मा बॉन्ड की रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो ये एटलीस्ट 1 मेगाहर्ट्ज की होती है, 10^6 टाइम्स अ सेकेंड। तो ये रोटेट कर रहे हैं, तो अब देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये एक प्लेन में होगा, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। और चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ओवरलैपिंग हुई है यहां पे और यहां पे, मतलब ये वाला बॉन्ड ये सिग्मा दिख रहा है बट सिग्मा है नहीं, एक्चुअल में ये बेंट बॉन्ड है। तो इनकी जो एनर्जी है वो हाई एनर्जी है क्योंकि अच्छे से ओवरलैपिंग हुई नहीं है, दोनों ऑर्बिटल ऐसे टकराए हैं, तो ये बेंट बॉन्ड जो बना इनकी एनर्जी हाई है क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हुई है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो ये प्लेनर है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपको पता है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये रोटेट करते हुए, अब एक सेकेंड में ये 10^6 टाइम रोटेट कर रहे हैं, तो किसी ना किसी टाइम इसके प्लेन के पैरेलल आएंगे, और जैसे ही ये इसके प्लेन में पैरेलल आएगा, बूम यू नो बूम, फिर ये वाला बॉन्ड जैसे घूम जाएगा बूम, ये बॉन्ड जैसे का बूम, तो आप समझो बर्स्टिंग, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन बर्स्टिंग, इलेक्ट्रॉन का फटना, बूम 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 बूम, ये पॉजिटिव की तरफ फटना स्टार्ट करेंगे। और जब पॉजिटिव की तरफ ये फटेंगे, इसी को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, या थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा डांसिंग रेजोनेंस। तो क्या होता है, ये बॉन्ड बार 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 जाके इसके ऊपर फट रहे हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो आपने ये समझ गए कि ये किस तरीके से बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ फटाफट 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 रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइज हो रहे हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी मैंने बता दी एक सेकंड में 10^6 टाइम। तो अब क्या होगा, कभी ये वाला बॉन्ड आएगा, कभी ये वाला बॉन्ड आएगा, कभी ये वाला बॉन्ड आएगा, तो 1 by 1 करके इसमें जाके ओवरलैप करेंगे, तो इस पॉजिटिव चार्ज का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज। और भाई साहब ये तो एक की बात है, ये सिर्फ इसकी बात थी, ये आया ये आया ये आया, वैसे ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, ये तो जस्ट लाइक वही वाली बात हो गई कि एक पॉजिटिव दन 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 एकदम उड़ाते चले जाओ। अब तुम समझो ये कितना ज्यादा इसको स्टेबलाइज कर देगा, इसीलिए बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। मैं आपको एक बात और समझाता हूं जिसको हम डांसिंग रेजोनेंस बोल रहे हैं, कैसे ये काम करता है। देखो ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव चार्ज था, देखो होता क्या है, ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, तो डबल एंड दिस पॉजिटिव चार्ज। फिर देखो अगले स्टेप में ये ऐसा हो सकता है, दिस और दिस पॉजिटिव चार्ज। अब बहुत ध्यान से देखो, ये आपको डांस करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अगर ये बहुत जल्दी जल्दी स्विच हो इधर उधर, लग रहा है ना ये अपने पैर को आगे पीछे पैर ले जा रहा है, तो इसी को तो डांस बोलते हैं ना, थोड़ा आगे पीछे पैर को लेग मूवमेंट्स जस्ट लाइक, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिग्मा रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस। यही रीजन है कि CPM या TCPM कार्बोकेटायन के लिस्ट में सबसे ऊपर है। बिल्कुल क्लियर हो गया यहां तक। चलिए अब हम बात करेंगे दो, तो सीरीज तो आपको पता चली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे हम बात कर रहे हैं, तो TCPM आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये इस आयन में क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो आयन हमारा है ये ट्रोपालियम आयन है, ठीक है, ये हमारा ट्रोपाइलियम आयन है। अब जो ये ट्रोपाइलियम आयन है इसमें क्या होता है,
और कई बच्चे जानने की कोशिश कर रहे होंगे, सर ये इससे ज्यादा स्टेबल कैसे हो गया, इसमें से ये मच मच स्टेबल इससे क्यों है। मैं इस पर थोड़ा बात करूंगा। देखो अगर मैं इसको देखूं तो इसके बारे में हमें क्या क्या पता चल रहा है, ये 7 मेंबर रिंग है। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं टोटल इसके पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 2 4 6, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हक्कल रूल लगा दो, 4n+2। हक्कल रूल पता है ना, रोमैटिसिटी के लिए चेक होता है, n का वैल्यू 1 रखो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड नो डाउट एरोमेटिक है। आप सोच रहे होगे सर यहां पर भी एरोमेटिसिटी है, सुनो तो एडवांस के बच्चे हो, समझदार हो। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 7 मेंबर रिंग है, पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। यहां पर पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी का एक हिस्सा है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, जो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप खुद से चेक कर लेना बुक में या नेट कर लेना, इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। एक बार पॉजिटिव यहां, एक बार पॉजिटिव यहां, एक बार 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 यहां। पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड हो रहा है। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज इज ए पार्ट ऑफ रेजोनेंस। बट इन केस ऑफ दिस ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक एक्सटर्नल चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक इंटरनल चार्ज है जो रिंग का एक हिस्सा है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज 1 by 1 तीनों फिनाइल के अंदर डीलोकलाइज्ड हो रहा है। अब मैं इसको समझाता हूं। पॉजिटिव का मतलब हुआ डिफिशियंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इलेक्ट्रॉन चला गया। इसका मतलब मान लो कोई बीमारी है, कोई डिजीज। तो अगर आप ऐसे समझो, यहां पे जो डिफिशियंसी है, यहां पर जो डिजीज है, इस कार्बन के पास जो प्रॉब्लम है, ये इसकी फैमिली प्रॉब्लम है। तो मान लो अगर हमारे फैमिली के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हम बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर लेंगे, एक साथ बैठेंगे फटाफट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब मान लो मुझसे काफी दूर कोई एक दूसरी फैमिली रहती है, वहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम है और मैं रिमोटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूं, तो ये मुश्किल है। मुझे जाना होगा, कुछ समझाना होगा, कुछ करना होगा, देन आफ्टर सॉल्यूशन निकल के आएगा। ये जस्ट लाइक वैसा ही है। इसको हम बोलते हैं सोल चार्ज, सोल चार्ज। और इसको बोला जाता है एक्सटर्नल चार्ज या फॉरेन चार्ज। तो फॉरेन चार्ज का डीलोकलाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, सोल चार्ज का डीलोकलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ये हाईली स्टेबलाइज हो जाता है। आपको लग रहा होगा सर ये क्या हायर लेवल की बातें तो नहीं बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बिल्कुल सही समझाऊंगा अगले वाले रीजन से, रीजन नंबर 2। देखो ये जो 3 फिनाइल है, पहले तो ये जो सी पॉजिटिव है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये 3 फिनाइल है। अब इस पॉजिटिव को डीलोकलाइज होना तीनों फिनाइल के साथ, बट एट ए टाइम नहीं हो सकते। हमें लग रहा है इसके 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 3 6 9 1 10, है ना, 3n+1 होता है, उस हिसाब से आपको 10 लग रहे होंगे, बट 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एट ए टाइम नहीं काम करेंगे। कैसे, कार्बन है और 3 फिनाइल है। देखो ये 3 फिनाइल है, मैं आपको समझा रहा हूं ये आयन इतना मजबूर क्यों हो गया है, क्या इसको प्रॉब्लम हो गई है जो ये पीछे चला गया। मैं दिखा रहा हूं सी पॉजिटिव, देखो इस तरीके से। आपको तो पता है, जो सब्सक्राइबर हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मेरी डायग्राम कितनी अच्छी है, सॉरी बहुत बुरी है, अच्छी वाली बात नहीं है। डायग्राम बनाने आता मैं कुछ अच्छा करता, बट आता नहीं मुझे। देखो ये आप देख पा रहे होगे, एक कार्बन से 3 फिनाइल कनेक्टेड है। दिस इज जस्ट लाइक प्रोपेलर शेप। प्रोपेलर शेप किसको बोलते हैं, आपने फैन देखा है ना, आप अभी रूम में बैठे हो, आपके ऊपर भी फैन होगी। नहीं नहीं, आप मार्ट में बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो रूम में ही बैठे हो, फैन होगी। फैन के तीनों ब्लेड बिल्कुल एक जैसे होते हैं ना, एक प्लेन में। लेकिन आपने देखा होगा किचन का एग्जॉस्ट फैन, देखा है ना, किचन में जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जो 3 ब्लेड उसके होते हैं, तीनों ब्लेड कुछ कुछ एंगल पे घूमे हुए होते हैं, बिल्कुल एक प्लेन में ब्लेड नहीं होंगे, एक थोड़ा ऐसे, थोड़ा दूसरा क्रैंक और तीसरा थोड़ा क्रैंक, जिससे वो क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन बहुत सारे एयर को एट द सेम टाइम आगे की तरफ धकेल पाता है। तो इसका स्ट्रक्चर प्रोपेलर के जैसा होता है, जेट प्लेन के प्रोपेलर के जैसा या एग्जॉस्ट फैन के जैसा। तो होता क्या है, अब देखो तीनों अगर ब्लेड एक जैसे हो फैन के, तो एक प्लेन में सेंटर के साथ आएंगे, बट तीनों का अगर अलग अलग प्लेन हो, तो इन सिचुएशंस में ये पॉजिटिव चार्ज एक ही टाइम में इसके साथ और इसके साथ डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। आपको सोच के देखो, तीनों थोड़े थोड़े घूमे हुए हैं प्रोपेलर के जैसे, एग्जॉस्ट फैन के ब्लेड के जैसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज तीनों में एट अ सेम टाइम डीलोकलाइज नहीं हो पाता है, इसीलिए ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना कि ट्रोपाइलियम आयन स्टेबल है। बिल्कुल क्लियर आ गया, एकदम क्लियर हो गया, सीधा सा रीजन है सर, तीनों के तीनों फिनाइल एक जैसे नहीं होते। याद रखना, प्रोपेलर शेप, प्रोपेलर शेप,
तो प्रोपेलर शेप्ड होने की वजह से ट्रोपाइलियम ज्यादा स्टेबल हो जाता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये फॉरेन चार्ज है और ये एक सोल चार्ज है, ये कंप्लीट एरोमेटिक है। दूसरा रीजन ये भी है कि इसकी जो सेवन मेंबर रिंग होने की वजह से इस आयन की रेजोनेंस एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है इस आयन के कंपैरिजन में। मैं बात नहीं कर रहा हूँ रिंग के कंपैरिजन में, ये तो वैसे भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। पॉजिटिव एक फॉरेन चार्ज है जो इसके अंदर वन बाय वन डीलोकलाइज हो रहा है प्रोपेलर शेप होने की वजह से, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है सेवन कार्बन के ऊपर, इसीलिए बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बिल्कुल बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ट्राइफिनाइल आप समझ गए, इसी तरीके से बायफिनाइल है, इसी तरीके से थ्री डिग्री एलाइल है। अब देखो थ्री डिग्री एलाइल में क्या हो रहा है, ये आर है, ये सी है, ठीक है, यहाँ आर है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। इसके बारे में आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, तो यहाँ से इस पॉजिटिव चार्ज को एकदम मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। एल्काइल पुशिंग ग्रुप होते हैं, हाइपर कंजुगेशन से आगे की तरफ धकेलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो पॉजिटिव मिनिमाइज हो रहा है और यहाँ पर पूरा का पूरा एक कंजुगेशन भी काम कर रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हुआ, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हुआ। 5 मिनट मुझे और दो, मैं कार्बेनाइन क्लियर करता हूँ। अगर आप कार्बोकेटाइन सीख गए हो तो आपको कार्बेनाइन नो डाउट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्बेनाइन की, बिल्कुल देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। देखो कार्बेनाइन के केस में क्या होता है, जैसे कि मैं सबसे सिंपल कार्बेनाइन की बात करूं नेगेटिव, अब आपको पता है 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, लेकिन चूंकि ये लोन पेयर और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके वजह से इसका शिफ्ट हो जाएगा पिरामिडल, ये होते हैं पिरामिडल। तो देखो पिरामिडल होने की वजह से नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा जितनी अच्छी तरीके से पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा, तो ऑर्डर बदलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अपने दिमाग के अंदर डाल लो, अगर मैं कार्बोकेटायन की बात करूं तो पीएच सी पीएच पीएच पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन पीएच सीएच। पीएच पॉजिटिव चार्ज, यस एग्री करते हो, बट अगर यहां देखा जाए पीएच सी एच पी एच माइनस दिस इज मोर स्टेबल देन पी एच सी पी एच पी एच माइनस। मत भूलना इसको, कार्बोकेटायन के केस में चूंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो किसी ना किसी टाइम इसके प्लेन में आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज कभी इस पर डीलोकलाइज होगी, कभी इस पर डीलोकलाइज होगी, कभी इस पर डीलोकलाइज होगी। इसीलिए 3 डिग्री जो फिनाइल ये जो कार्बन है, मतलब ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, बट कार्बेनायन में उल्टा हो गया। रीजन ये है कि ये पिरामिडल है, तो पिरामिडल होने की वजह से ये फिनाइल फिनाइल फिनाइल, ठीक है, इन केसेस में इन बहुत बल्कि ग्रुप्स के प्लेन के बीच में बहुत ज़्यादा स्टैरिक रिपल्शन काम करता है। तो इन स्टैरिक रिपल्शन के वजह से इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसीलिए एनायन के केस में ये बाईफिनाइल ज़्यादा स्टेबल होगा ट्राइफिनाइल के कंपैरिजन में। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा दिस, देन हो जाएगा दिस, देन हम बात कर लेंगे पीएच CH2- माइनस की, देन हम बात कर लेंगे CH2- माइनस CH डबल बॉन्ड की, देन हम बात कर लेंगे RCH2- माइनस की, देन हम बात कर लेंगे RCHR- माइनस की, देन सबसे कम हो जाएगा RCRR- माइनस के। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, धकेल धकेल के और चार्ज को बढ़ा देंगे और आपको पता है कि जो चार्ज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्टेबिलिटी का। तो अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये हो गया कार्बेनाइन। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और इंतजार कर रहे हैं आपका, आप इसको देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कार्बेनाइन से, ठीक है। लास्ट 2 मिनट और लूंगा आपका। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है। देखो हाइब्रिडाइजेशन के केस में अगर मान लो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, मैं पहले इसको बना देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा, सी एच टू सी एच माइनस और हमारे पास हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू माइनस, देन हमारे पास, ठीक है, हाँ बोल सकते हो सी एच थ्री माइनस। देखो ये कैसे आया, देखो हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है। ये जो आपका दिख रहा है कार्बन, ये आपका sp है, ये आपका sp2 है, ये आपका sp3 है, ये तो sp3 है, मैं रोल दिखाऊंगा। अब देखो इन सिचुएशन में इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर
50% है. 50% s character का मतलब है ये more electronegative है, क्योंकि आपको पता है percentage s is directly proportional to electronegativity. इनसे related बातें आपको जाननी है हमारे अपलोड में जाइए. बेंट रूल आपको दिख रहा होगा, बेंट रूल में मैंने डिटेल किया है इनसे रिलेटेड ढेर सारी बातें हुई हैं. परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, परसेंटेज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्किनेस, बस समझ ना, परसेंटेज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, सारी बातें हो चुकी हैं. तो परसेंटेज एस ज़्यादा है, ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एस ओनली 33.3% है, यहाँ पर परसेंटेज एस ओनली 25% है. तो परसेंटेज एस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी. तो जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, अब आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया तो ये न्यूक्लियस के उतने क्लोज हो गया, उतना ज़्यादा स्टेबल फील करेगा क्योंकि उतना ज़्यादा अट्रैक्शन काम करेगा. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, देन ये. आप सोच रहे हो इसमें और इसमें कैसे, बिकॉज मिथाइल में इंडक्टिव इफेक्ट से पुशिंग इफेक्ट भी है, तो ये नेगेटिव को बढ़ा देगा इसके कंपैरिजन में, इसीलिए ये पहले आ गया और वो बाद में आ गया. बात समझ में आ गई, जस्ट ए मिनट, ये पीछे चला जाएगा CH3 CH2-, क्योंकि ये पुश करेगा तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा. बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई. ओके, अब कुछ बेंजीन से रिलेटेड चीज़ों को भी एक देख लो थोड़ा सा, एक मिनट. जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया CH2-, अब मान लो मैंने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, तो नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज कर देगा अपनी तरफ खींच के. बात समझ में आ रही है, रेजोनेंस के थ्रू भी ये नेगेटिव चार्ज मिनिमाइज हो जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, एक्सटेंडेड कंजुगेशन काम करेगा. या कुछ और केसेस ले लो, जैसे कि मान लो अगर हमने यहाँ पर सिर्फ CH2 लग दिया माइनस, ये ज़्यादा स्टेबल होगा. और देख लो, अब अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं तो प्रॉब्लम आ जाएगी CH2-, और यहाँ पे मैंने रख दिया CH3, और कुछ ज़्यादा रख दो तो और प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे CH3O और फिर यहाँ पर रिंग लगा दो और यहाँ पे CH2- रख दो. बात समझ में आ गई, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर तुम बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी कार्बन आयन की बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दोगे उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दोगे तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये पुश करता जाएगा चार्ज को बढ़ाता चला जाएगा. बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हुआ सारी कंसेप्ट. तो अब जल्दी से रैपिड रिवीजन दे देता हूँ, क्लोज योर आइज फॉर 5 सेकंड, स्टार्ट करते हैं. देखो हमने क्या क्या बात की है, हमने बॉन्ड क्लीवेज की बात की, बॉन्ड कैसे टूटता है. आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड आराम से टूटते हैं, दो तरह से टूट सकते हैं, या तो फ्लोरेटिकल वे में टूट सकते हैं या तो आयोनिक वे में टूट सकते हैं. फ्लोरेटिकल वे में तब टूटेंगे जब दोनों की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी एक जैसी होगी, या सिस्टम नॉन पोलर मीडियम में होगा या गैसेस फेज में होगा. मैंने कंडीशंस आपको बता दिए, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड रेडिकल, HELPR, दैट इज नोन एज हेल्पर. और हेटरोलिटिक वेज में मैंने आपको ये समझा दिया है कि ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होती है, बट इतनी भी ज्यादा ना होगी आयोनिक बॉन्ड बन जाए, जैसे कि मेटल्स नॉन मेटल के केस में होते थे. तो हेटरोलिटिक क्लीवेज के लिए भी मैंने कंडीशंस बता दिए, वहां पर भी मैंने बता दिया हेटरोलिटिक में आपको हमेशा ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. किन केसेस में, हेटरोलिटिक केसेस में, बिल्कुल क्लियर है. फिर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट पे आ गए थे, हमने दो रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात की थी, एक हमने बात की थी कार्बोकेटायन की, एक हमने बात की कार्बन आयन की. कार्बोकेटायन के केस में मैंने आपको पूरा ऑर्डर बता दिया, सबसे पहले TCPM होता है, फिर उसके बाद 2 CPM वाला होता है, फिर आपका CPM होता है, फिर आपका ट्रोपिलियम होता है, और ये पूरा सीरीज चलता चला जाता है. अब इसमें डांसिंग रेजोनेंस या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस होता है जो TCPM के अंदर काम कर रहा था, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. वो ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन से 10^22 टाइम्स ज्यादा स्टेबल था. आपका ये रेफरेंस है सर जॉन फ्रांसिस की और डेविड पिल्स की बुक से, 10^22 टाइम्स, ठीक है. ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये आई थिंक 2011 में पब्लिश पेपर हुआ था, वहाँ पे ये बताया गया था, ठीक है. चलिए जो भी हो, आगे की तरफ हम बढ़े थे. कार्बोकेटायन के केस को हमने डिटेल किया था, हमने फॉरेन चार्ज के बारे में बात की थी ट्रोपोलियम आयन में, फॉरेन चार्ज की बात की थी ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन में, और ट्रोपोलियम में हमने सोल चार्ज की बात की थी. ये सारी चीज़ें हमने डिटेल की हैं. कार्बन आयन के केस में भी आपको बता दिया गया, और एक इंपॉर्टेंट बात आई थी, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में, बट कार्बन आयन के केस में ये उल्टा हो जाता है. रीजन इसका मैंने बताया था, पिरामिडल शेप होता है और स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा काम करता है, तो एनर्जी बढ़ जाती है और अनस्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसीलिए डाइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन ज्यादा स्टेबल हो जाता है ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बेनायन के कंपैरिजन में. फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी, sp sp2 sp3, वो भी मैंने आपको समझा दिया कि sp होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नेगेटिव को अच्छे से संभाल पाएगा, इसीलिए अगर आप एसिटिलीन का एक हाइड्रोजन निकालना चाहो तो आराम से निकल जाता है, बिकॉज जो एसिटालाइड आयन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है. बात बिल्कुल समझ में आ गई. फिर विनाइल कार्बेनायन था, देन हमने फिर इथाइल कार्बेनायन की बात की थी. इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप लगा दोगे कार्बेनायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. फिर हमने बेंजीन वाली बात कर ली थी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बढ़ाते चले जाओ स्टेबिलिटी कार्बेनायन की बढ़ती चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को बढ़ाते चले जाओ तो स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी. तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत कुछ हम सीख चुके हैं, बहुत मजा आया होगा आपको, आया ना मजा,
अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक इसको पहुंचाइए। बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।